इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ। अनम्यूट कर दू, बताएगा कुछ तो जोक हुआ है ना। आपने आए इसलिए ऑफलाइन करना पड़ता है। अच्छा मुझे बता रहे हैं ऑफलाइन करना पड़ता है। यस बोलो क्या लिखोगे फिर इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिखोगे बोलो जल्दी। वाई वाई करेक्ट। तो फिर चलो सॉल्व करो, 2 मिनट दे दियो, 1 मिनट बोनस, जल्दी क्या आता है। कौन सा क्वेश्चन है तो बताओ यार। उमेर हो गया क्या तेरे सब अरेंजमेंट तेरे, मतलब ऐसे ऐसे लग रहा है तू तो बहुत बार बार जगह चेंज कर रहे हैं कुछ तो। नहीं 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 सब सेट है ना अभी उस साइड में। हाँ हाँ संतोष तुझे इसलिए पूछती नहीं हुए। चलो बोलो जल्दी क्या करोगे अभी यहाँ पे। फंक्शन बेस्ड टू फंक्शन है क्या? लॉग लगाएंगे। फंक्शन बेस्ड टू फंक्शन है ना, x बेस्ड टू y, सो इट्स फंक्शन बेस्ड टू फंक्शन। तो क्या हो जाएगा फिर, लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। मैडम आंसर इज आई का आंसर। ये साक्षी नहीं आई है क्या? साक्षी है क्या? पूना मैम है। है क्या तू? दिखी नहीं तू फोटो में। फोटो में कहाँ? केक खाते हुए दिखी नहीं तू मुझे। अच्छा अरे यार ये लोग राइट तो थे ना। मैं माफ भी नहीं दिखी फोटो में। थी नहीं ना यार, मिस किया ना मैंने वो बात। क्या हो गया एक्चुअली ना? चलो बताओ क्या आएगा आगे, क्या करेंगे आगे बोलो, कोई तो जवाब दो। क्या करेंगे आगे? सॉल्व करेंगे। संतोष क्या मैडम बोला? 90 प्लस। सुनो आपको बहुत डिस्टरबेंस होगा। 90 प्लस बोलो जल्दी क्या करने का। वाय आगे आ जाएगा ना। अरे क्या डम जैसे बैठे हो यार। वाय लॉग एक्स। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट। चलो फाइनल आंसर आया कि किसी का? यस बोलो फिर कितना आया। कोई है क्या उधर सुपरविजन के लिए या तुम ही तुम बैठे हो सिर्फ? बच्चे थोड़ी है ना अभी। हाँ बच्चे थोड़ी है। अरे बच्चों जैसी हरकतें करते हो पर। कोई भी नहीं। रतन आया किसी का आंसर इसका? जीरो है ना। जीरो आ रहा है ओके। और किसी का आया क्या आंसर? जीरो ही आना चाहिए जहां तक है। अरे जीरो है, मार देगी अभी तो उसको। साक्षी ज़्यादा है पर मैं तो। चलो ठीक है सॉल्व करके देखते हैं अभी क्या आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई? वन अपॉन वाई, लॉग एक्स की तरह ट्रीट किया उसको, बट एक्स की जगह पे कौन आया है? वाई आया है, तो उसकी डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। is equal to यहाँ पे क्या यूज होगा? u into v root. What is that? v du by dx plus u dv by dx. All right? Okay? तो क्या हो जाएगा फिर? 1 by y dy by dx is equal to log x dy by dx प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, सो इट इज y/x। ये बड़बड़ मत करो रे, ऑनलाइन वालों को बाकी को भी ये होता है ना, परेशानी होती है ना। हम का ऑफलाइन है, हम ऑनलाइन है। अरे बाकी लोग रे, वो मैं सिर्फ खुद का सोचते हैं। ऐसा भी है। 1/y dy/dx प्लस सॉरी इक्वल टू
वाई बाय एक्स ओके. अब ये वाई यहाँ पे आया वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. वाई को उस साइड लेके जाओ वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स टू द बेस. ये होता है ना कुछ भी नहीं है मतलब बेस ही होता है. तो उन्होंने क्या पूछा है उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछा उन्होंने क्या पूछा है इसको इस साइड शिफ्ट करो और फिर हमें आंसर बताओ. तो इसको शिफ्ट किया अपन ने तो कितना आया फिर बताओ जल्दी जीरो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया आदिनाथ समझ लो का आदिनाथ फोन फोन उठाने बाहर गया होगा कॉल आया होगा किसी का फिर से. हाँ बहुत कॉल आते हैं मैम. चलो ध्यान तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. x to इनफिनिटी ये चीज रिपीट हो रही है ना तो अपन इसको y लिखेंगे. सो y इज इक्वल टू x to y लिखा अपन ने ठीक है. अब ये क्या है फंक्शन डिस्ट फंक्शन है. कैसे फंक्शन डिस्ट फंक्शन यस x भी फंक्शन है y भी फंक्शन है तो फंक्शन डिस्ट फंक्शन ओके. तो अगर फंक्शन डिस्ट फंक्शन है तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था क्या लेते हैं अपन लॉग लेते दोनों साइड पे तो क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x डिस्ट y. अब ये y आगे आ जाएगा y log x इक्वल टू लॉग y. तो बताओ फिर क्या होता है फिर log y का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ log y dx डिफरेंशिएशन y log x विद dx ओके. सो दिस इज व्हाट 1 by y dy by dx दिस इज व्हाट u into v. सो इट इज v du by dx प्लस u dv by dx ओके. v du by dx प्लस u dv by dx. अब log x है dy by dx है प्लस log x इज हाउ मच 1 by x. सो ये हो गया y by x. अब dy by dx को एक साइड में रखो dy by dx को एक साइड में रखा 1 by y minus log x equal to y by x ओके. तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया LCM मतलब इसको LCM लिया अपन ने 1 minus y log y 1 minus y log x upon y LCM लिया अपन ने. LCM लेते आता है ना सबको आई होप इतने तो बड़े हो गए अपन ना कि LCM लेने आता है. नहीं बड़े हुए तुम लोग. अरे फिर से कर रहे तू. चलो LCM लिया अपन ने 1 minus y log x upon y side हो गया. सो यह आया अपन को dy by dx का आंसर 0. ओके एनी डाउट समझ में आया संतोष. बड़ा होना पड़ता सीए करने के लिए. बड़ा होना पड़ता सीए करने के लिए. चलो डन आगे अगला क्वेश्चन. x raise to m y raise to n is equal to x plus y raise to m plus n. Find dy by dx. चलो try to solve it. इसका आंसर तो रटी लो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. आया क्या आंसर बोलो जल्दी बोलो. मैम कर रहे थोड़ा लेंदी था याद है क्या जिनको जिनको मैथ्स था ना 11 12th में उनको ये आंसर आना चाहिए. बस ना मैम मैडम कब हो गया 11 12th बीच में एक हो गया मैम कोरोना का. अरे हम गजनी नहीं है.
मैडम कल का याद नहीं हो रहा खाने का बड़ा याद रहता तेरे को कल खाए नहीं मैडम खाने का याद रहता सोने का नहीं भूलता बाकी सब चीजें याद रहती बंदे को ये भूल जाता है लड़कियों के नाम याद रहते होंगे तेरे को सही बात है हमारे बेटर हमारी टीम पे रहते हैं मुझे लग ही नहीं रहा मैं आज ऑनलाइन ले रही हूँ बस तुम्हारी शक्ल तो बोला इसलिए तो बोला अनम्यूट करो चलो बोलो जल्दी कितना है डीवाई बड़े अकेला शशांक आंसर दे रहा श्रद्धा ने भी आंसर दिया दूसरी श्रद्धा छोटी श्रद्धा नहीं मैम का आंसर बोल ना तेरा क्या है आंसर मेरे तुझे तो आना ही चाहिए ग्रांटेड लिया है मैंने मैम इतना सॉल्व किया मैंने बट आंसर नहीं आ रहा वो मेरे बोलेगा मैंने बताना ही नहीं चाहिए था मैं साइंस से एक्चुअली नहीं होता अब क्या करोगे बोलो लॉग लोगे ना लॉग ही लिया ना या फिर कुछ और किया सॉल्व लॉग लॉग हां टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स ये आ रहा है लॉग एक्सिस्ट टू एम आ गया है बट देखो करते हैं ना क्या हो गया ये मल्टीप्लिकेशन है ना तो क्या हो जाएगा फिर एडिशन हो जाएगा सो लॉग ऑफ एक्स रेज टू एम प्लस लॉग ऑफ वाई रेज टू एन अब ये पूरा पावर जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा लॉगरिथम का रूल है आदिनाथ लॉगरिथम का रूल होता है ये पावर शिफ्ट हो जाता है मैम क्या बात है आदिनाथ की बहुत याद आ रही है आपको क्या आदिनाथ आदिनाथ बात कर रहे हैं आप अधिनाथ हाँ अरे उसको समझता नहीं ना चीजें फिर से बोलते हैं संतोष पानी पी ले पानी ले भाई ले ओके अब क्या हो जाएगा एम भी आगे आ जाएगा अब क्या होगा एन भी आगे आ जाएगा क्या करेंगे m प्लस एन लॉग ऑफ x प्लस फाइव अब क्या करोगे डिफरेंशिएट ओके आयुषा पब्लिक कर सकती है आयुषा डिफरेंशिएट So differentiate m log x dx plus differentiate n log y with dx equal to differentiate m plus l log of x plus y इधर तक मेरा भी आया बट वो मल्टीप्लाई करना ही नहीं आंसर ओके पूछ रहा हूँ नाउ m तो बाहर आ जाएगा n बाहर आ जाएगा क्योंकि वो दोनों क्या है कॉन्स्टेंट है तो एम बाहर आया लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस एन आया लॉग वाई का डिफरेंशिएशन सो बट एक्स की जगह पे वाई है ना तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई देंगे एनी डाउट इन दिस समझ में आया यस उमेश तेरा आंसर आया नहीं आया आज के दिन में आएगा क्या मैम आने वाला रुको मेरा भी आ गया ही मैम 2 मिनट मैम मेरे को मतलब नहीं ऐसा थोड़ा लग रहा था कि गलत है पता भी अच्छा ओके तो फिर है या नहीं सही सही है सही ओके तो m प्लस n बाहर निकाला तो log ऑफ x प्लस y क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस y अब जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से समझो ये सारे स्टेप्स को पहले अपन ने क्या किया लॉग लगाया लॉग ऑफ ab इज व्हाट
log a plus log b. This is what log of a raised to m. तो अपन ने पावर को आगे ले लिया, यहाँ पे भी m को आगे ले लिया, n को आगे ले लिया, ठीक है. अब डिफरेंशिएट करो, m बाहर आया, log x का डिफरेंशिएशन, n बाहर आया, log y का डिफरेंशिएशन, m plus n बाहर आया, log of x plus y का डिफरेंशिएशन. यहाँ केजल बोलो, केजल क्या हो गया बोलो, कहाँ पे डाउट है? Why didn't we differentiate there itself? You can. Answer तो आना चाहिए, but कभी कभी simplify भी करना पड़ता है. कर सकते हैं वैसा भी, उसमें कोई शक नहीं. M and log x differently. No. यहाँ पे m को तूने बाहर लिया क्योंकि वो constant है. Okay. M variable थोड़ी ना है. M तो constant है. M is not the variable. M is constant. Okay. log x ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को. ओके, log x इज द फंक्शन, उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, तो log x को कैसे डिफरेंशिएट किया फिर अपन ने, 1 by x, तो वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिया. हाँ, क्या प्रॉब्लम है बोलो फिर से. मल्टीप्लिकेशन वगैरह बाय बाय का और यहाँ पे भी n कांस्टेंट था तो n को बाहर लिया, log y को डिफरेंशिएट किया एंड जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन करो. ओके, चलो. नहीं, जो तू डी बाई डी एक्स ऑफ m करेगी ना वो जीरो ही आएगा एनीवेज बिकॉज वो कांस्टेंट है. डी बाई डी एक्स ऑफ m जो करेगी तो वो जीरो ही आएगा बिकॉज दैट m इज कांस्टेंट है ना. So that is why to waste your time na for putting the term log x into dm by dx. वही नहीं, वे जीरो होने वाला है. एंड दूसरी बात यह है कि मैंने ये भी पहले बताया था कि कॉन्स्टेंट को अपन बाहर लेते हैं, अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है तो कॉन्स्टेंट को अपन बाहर ले लेते हैं, है ना. ये भी चीज मैंने बताई थी तुम लोगों को. ओके, तो m को बाहर लिया और अंदर बचा log x. क्या आ जाएगा अब dy by dx को एक साथ क्लिक करना है अपन को, तो क्या हो जाएगा फिर, m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y इनटू dx by dx इज 1 प्लस dy by dx. dy by dx अब क्या करेंगे अपन, m अपॉन x प्लस n upon y dy by dx is equal to, इसको अंदर multiply करो, m plus n upon x plus y plus m plus n upon x plus y. Okay, अब इसको और इसको club करो और इसको इस side shift कर दो, ठीक है. So n upon y dy by x, y by x है ना. फाइनल आंसर ना, यस. याद रखो, याद रखो, इस क्वेश्चन को फिर आके पूछ सकते हो लोग. बताती हूँ मैं कैसे पूछते हो. दिस फोकस ऑन दिस फर्स्ट, तो ये है डीवाई बाय डीएक्स. ऑनलाइन वालों को तकलीफ होती है, बातें मत करो यार. फिलहाल मेरी प्रायोरिटी ऑनलाइन वाले हैं. काम कब की भी आ गया है हम सबका. गुड 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 संतोष आएगा तेरा आंसर संतोष. हाँ सबका आ गया मैम. तो उसको कुछ आता नहीं है. डीवाई बाई डीएक्स को कॉमन निकालो. डीवाई बाई डीएक्स यहाँ पे एक्स इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, है ना. यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले रहे हैं ना अपन, तो क्या हो जाएगा फिर, एन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एन प्लस एन होल डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई. मैम संतोष को अनम्यूट करो ना. संतोष हाँ बोल, अलग अलग थोड़ी ना यार सब एक ही. नहीं संतोष मतलब खुद किस मिला के पीछे बैठ गया. मैडम थोड़ी चुकले मैडम जो की माजा
सुकले की वहां से सुकले तेज विचारती है होने के बाद ऑफिस म्यूट कर दो यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना अब क्या करेंगे एनएक्स एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई ओके अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स तो ये और ये चला गया ये और ये चला गया तो क्या बचता है फिर अपने पास एन एक्स माइनस एम वाई एंड यहाँ पे बचता है एन एक्स माइनस एम वाई है ना तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में क्या है एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई है और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में क्या है एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स है तो ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर भी चले जाएंगे ना आफ्टर डिविजन तो ये वाई ऊपर आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है y upon x तो जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्टली y upon x मार्क करो क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऐसा क्वेश्चन देखो x raised to m y raised to n is equal to x plus y raised to n plus n इसका फाइनल रिजल्ट आता है dy by dx equal to y by x याद रखो अभी इस क्वेश्चन को वो अलग फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं आदिनाथ ज्यादा सॉल्व करने का लोड मत ले जस्ट टेक दिस इन माइंड स्पेसिफिकली आदिनाथ को बोल रहे सॉल्व नहीं करने का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो क्या हो जाएगा फिर ये अगर मान के चलो m के जगह पे n m के जगह पे 3 है n के जगह पे 2 है x plus y raised to 3 plus 2 है तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बोलो बाय बाय वो 3 प्लस 2 नहीं देंगे वो 5 देंगे वो समझ में आना चाहिए हाँ शशांक मुझे पता चला था उसने 2 सेकंड में वाई बाई एक्स आंसर दिया था शशांक लोगों को बोलते हैं सस्ते नशे खुद तो बहुत महंगे कर रहा शायद 3 प्लस 2 ओके तो ये क्या हो जाएगा फिर 5 ऑलराइट डन तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है मान के चलो x raised to 5 y raised to 3 तो x plus y raised to क्या आ जाएगा फिर 8 ओके तो इस केस में भी dy by dx is what y by डन तो सॉल्व मत करते बैठे कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की सॉल्विंग नहीं भी आता है तो भी ये चीज दिमाग में रखो कि x raised to 2 y raised to 2 x plus y raised to 5 x plus y x plus y raised to 5 ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ये पूरे नॉन मैथ स्टूडेंट्स ये पूरे एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत पड़ो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट x raised to m y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n ओके अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो dy by dx equal to what y by x याद रखो ठीक है तो ये m और n की जगह पे कुछ भी आ सकता है 3 2 नंबर्स आ सकते हैं मतलब उस केस में भी आंसर तुम्हारा चेंज नहीं होगा 1/2 केस में भी आंसर तुम्हारा चेंज 1/2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 y is equal to x plus under root of x square plus m square raised to n and I need to find out dy by dx कोशिश करोगे चलो try to solve this आसान ही है ये भी 12th में था शशांक इसका भी आंसर रटा होगा तूने मैं बोल रहा सारे आंसर रट लिए थे हम लोगों ने बोल जल्दी फिर इसका आंसर क्या था गौरीश ये गौरीश था ना गौरीश था क्या गौरीश क्या आवाज आ गई माइनस वन पॉइंट टू रुपीस कितना आ रहा है बोलो यार जल्दी वन पॉइंट टू हाँ माइनस वन पॉइंट टू ऑफलाइन वाले एकदम फॉर्म में आज तो ऑफलाइन
क्या हो गया संतोष? बड़ा है ना? अरे समान सस्ती हो गया नहीं हुआ आया नहीं आया मंजिल की करीब है मान लो कौन संतोष या तुम लोग सब लोग सब एक साथ तो सब एक साथ सॉल्व करेंगे आ रहा है कि सबको पर इतने पेजेस का इतनी ज्यादा ज्यादा आवाज आती क्या? बोलो जल्दी क्या कर रहे हो बाय द वे कौन सा रूल लगा रहे हो क्या कर रहे हो एग्जैक्टली लॉग लगा रहे हैं लॉग के बाद चेन रूल लगा के डिफेंस गुड 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 संतोष आया कि तुझे कुछ सिर्फ हंसते हंसते बीच में आयुषा डर गई आयुषा क्वेश्चन को देख के डर गई आयुषा आयुषा डरने का नहीं कुछ पता है ना एग्जांपल स्नेहा का लॉक तो लेना है गारंटेड है ना आदि ना तू स्टेप बाय स्टेप समझ तू एकदम से पूरा सम देखेगा तो फिर डर ही जाएगा तू बट स्टेप बाय स्टेप समझ लॉग वाई बोल क्या बोलना चाहते हो ऑप्शन बी ऑप्शन बी आ रहा है क्या सर सर ये है आदिनाथ क्या है किधर है तू अरे नहीं मैं जब्तू का सांस बोल हवा में उड़ रहा है क्या भाई पता ही नहीं इसको आगे ले लो इनको आगे ले लो बीच में मैम आंसर के लास्ट सही आया तो हाँ बोलूंगी नहीं आया तो गलत बोलूंगी बोल कितना है तेरा आंसर अच्छा आया नहीं आया ऑनलाइन वालों का आंसर आ गया देखो यार मैडम तुम लोग टाइम पास करते हो टाइम पास नहीं मैडम पास टाइम होता है मैडम पास टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आया कलेक्ट करके आया नॉलेज मैडम सांगा वो लोग कर हवा में उड़ रहा था अभी नीचे आ गया जमीन पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आदिनाथ लॉग वाई का डिफरेंशिएशन
वन बाय वाई डीवाई बाई डी एक्स। ध्यान दे पहले से ही नहीं तो फिर से बोल देता है, फिर फोन का फोन उठाने चला जाता है, फिर बोलता मैम फिर से एक बार। बड़े लोग मोटा मान संतोष भी ऐसे करता तो भी मैं नहीं रुकती। संतोष भी तो बड़ा आदमी है ना। अरे बहुत बड़ा आदमी है, कुछ नहीं मैडम 105। इनको बाहर निकालो। ओके वन बाय वाई डी वाई बाई डी एन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, चेन रूल लगाएंगे, लॉग एक्स की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। आदिनाथ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। मुझे समझ में आते फिर कॉल पे नहीं गया वो। हाँ बोल, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्या हो जाएगा फिर ये 1/plus m square। अब जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई dx। ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो जल्दी, इज देयर एनी इशू? क्या इशू? कुमार क्या इशू बोल। हाय मैम, किसे दबा था पूछना मेरे को। डी वाई बाई डी एक्स एन इनटू 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/ रूट एक्स की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बट एक्स की जगह पे कौन आया है, ये आया है, तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे चेन रूल काफी बार यूज हुआ है ना, थोड़ा ध्यान दो। यही पे अटके थे सही आया है, इधर तक अटके थे इधर तक। अच्छा, सही आया है मैम, अभी इसके आगे बताओ। इसके नीचे का भी सही आया है। हाँ, इसके नीचे का भी सही आया है। एंड एंड में पता नहीं किधर अटक रहे हम। ऑप्शन डी आएगा मैडम, एन वाई भी आ रहा है बट वो कैसे कटा था समझ नहीं आ रहा। 1/x² प्लस एम स्क्वायर। अब अंदर क्या आ जाएगा फिर, यस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये 2 और 2 तो हट गए ना, एलसीएम ले लो यार, एलसीएम ले लो, सीधी सीधी बात। 1/y dy / dx इज इक्वल टू n इनटू 1/ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसको इसका भी एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब आ गया ना आंसर। साक्षी कहाँ पे अटके फिर तुम लोग, सब कुछ तो आया, इधर तक आ गया। हाँ हमको ये हाँ इधर मैम, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना उसको, तो हमने वो लिखा ना कि करेक्ट है मैम। आ गया आ गया ना आंसर, आ गया आ गया। फिर नहीं नहीं नहीं, रुको इधर तक आ गए मैम। हम लास्ट तक छह सात लोग मिलके हमने कट ही नहीं किया, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं चला कि कट करना है। मेरा अभी भी नहीं चल रहा, एक मिनट रुक जरा। सब 6-7 लोग मिलके एक ही गलती कर रहे हैं, समझाने के लिए कोई नहीं है। कटा कैसे, मेरे को नहीं मिल रहा मैडम। अरे कट गया, n / अंडर रूट ऑफ x² प्लस m² ये x प्लस ये होगा ना अंडर रूट। और ये y यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर, dy / dx ये वो ने ना, ये ऊपर जाएगा। गौरीश समझ में आया क्या? समझा मतलब नहीं समझ में आया उसको। जल्दी हाँ नहीं बोल रहा है ना।
मैडम रास्ता समझ में नहीं और ना इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे दुख होगा फिर मैडम हाँ पेज पर लटका हूँ मैडम आता लंग मुझे तुझी इच्छा ही मिले मैडम लंग क्यों होगा प्रॉब्लम का है ना गाड़ी पर थोड़ी सी रिपेयर कराई चाहिए वाला प्रॉब्लम तो पन एक पन इशू है ना चलो फिर से एक बार करते हैं आगे ले लो एन इज दिस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ठीक है अब क्या हो जाएगा एन जो है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एन को बाहर लिया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो ये log x की तरह है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x होता है ये हो गया 1 by x डिफरेंशिएशन ऑफ x की जगह पे जो भी आया उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो ठीक है अब उसके बाद यस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो x की जगह पे कौन है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 0 2 और 2 चले गए अब एलसीएम ले लो रूट x स्क्वायर m स्क्वायर प्लस x ये और ये चला गया हाँ बोलो कुछ प्रॉब्लम है संतोष संतोष तू तो फाउंडेशन दे ही मत यार मुझे लग रहा है धंधे 305 है अपने पास मुझे लगा दोबारा मतलब वापस ये रिपीट करना है अरे यार सीधा समझा मैंने अच्छा अब लग रहा है तुझे रिपीट करने का चलो बताओ इसका क्या करोगे यहाँ पे पहले अरे हाँ ज्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करूंगी ऑनलाइन में मैं नहीं स्ट्रेच आउट करती ज्यादा ऐसे होगा हम सब एक करके तो अलग करके देखें मैम समझो log मतलब log e into log e रहा log e into log e अरे नहीं वैसा नहीं फिर y is equal to x raised to x log e x raised to x log e हाँ तो log e तो one होगा ठीक है तो log y is equal to x raised to x ये solve होगा आगे log y is equal to x raised to x और ये क्या है log e ऐसे आया होगा ना तुम्हारा आंसर सही अब ना मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि इस रिजल्ट को याद रखो इफ यू रिमेम्बर मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि इस रिजल्ट को याद रखो चलो पहले लॉग लॉग लिया दोनों साइड पे ये तुम्हारा लॉग का मेन नंबर है ये पावर है पूरी की पूरी को आगे शिफ्ट कर दो क्या हो जाएगा फिर log y is equal to x raised to x log e अरे हो log e क्या होता है 1 होता है log e क्या होता है 1 होता है है ना log y क्या हो जाएगा x raised to x into 1 आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन ओ log y dx equal to डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to x मान लो y कितना a आए अभी मार डिफरेंशिएट किया दोनों साइड पे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 / y dy / dx और इसका डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी दिया था यार पिछले क्लास में इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था इस रिजल्ट को याद रखो देखो x is to x into 1 plus log x बताया था ना मैंने ये देखो ये बोला था मैंने इसके डिफरेंशिएशन को मैडम किधर से किधर भागा रहे अरे
ये जो है इसका डिफरेंशिएशन पहले ये आता है कहां से किया तूने अभी देखो अरे सच्ची कहां तो मैंने यही बताया था कि ये जो है ये रिजल्ट याद रखो ये इम्पोर्टेंट है मैम लास्ट में नहीं चैप्टर के बाद सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो लिख के दो अच्छा ठीक है तू जो बोले वो बस सीए फाउंडेशन पास होके बता ठीक है और y क्या है व्हाट इज y क्या करते पता है क्या देख मान के चलो सपोज मैंने इसको लिया वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स लिया मान के चल ठीक है तो मुझे एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव चाहिए मतलब मुझे क्या चाहिए बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स ही तो चाहिए है ना हमें क्या चाहिए बेसिकली dy by dx ही चाहिए तो हम क्या करेंगे फिर taking log on both the sides ठीक है तो log y is equal to x log x है ना ये क्या हो जाएगा 1 by y dy by dx याद आया कुछ हाँ हाँ याद है u into v समझा 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 जब पक्का हाँ तो मैं बड़ी उम्मीद है मुझे यार कि मैथ्स में कुछ हम करूंगा मैथ्स में टेंशन मत लो करूंगा पास नहीं होना है ना पास नहीं होना है सिर्फ टॉपर अच्छा चाहिए मेरे को संतोष बोल रहा है 90 प्लस तो लाऊंगा ही 95 मैडम जो कुमार रहे हैं 100 प्लस नहीं संतोष बोल रहा है 90 प्लस लाऊंगा आप तो 100 का टारगेट रखो गुड रेटिंग मैडम प्रदक्षिणा घालशील तो अशा मस्त एकदम शंभर मॅडम सिलेक्शन झालं की सॉरी पास झालो की मी लाडू आणून म्हणते मॅडम लाडू आणणार मला वाटलं द्राक्षांची बागेत मॅडम एक मिनिट थांब बोल ना अरे आम्हाला समजलं चलो नेक्स्ट उसको लिखना आहे थोडा नीचे हा एक मिनिट हा तुम्हें तो ऐसे ज्यादा मजा आता होगा और मस्ती करते होंगे तुम लोग है ना संतोष अरे डिस्कनेक्ट हो गया था डन ना दिक्कत हो गया राष्ट्र मी आता चलो सेवेंथ क्वेश्चन ऐसा मत करो रे सेवेंथ वाला ही तो है ये अच्छा ये सेवेंथ वाला नहीं है क्या मेरे नोट्स में अच्छा एट कौन सा फिर ये है क्या एट मतलब सेवेंथ वाला ये है क्या तुम्हारे इसमें अच्छा ये
मुझे प्रूफ दिखाती मैं, चल बाद में मैडम हम भी बना सकते हैं रात में एक नोट। अच्छा पूरा का पूरा कॉपी पे बनाऊंगी ना मैम। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या कुछ इस क्वेश्चन में? हां नहीं मैडम, नहीं आ रहा, चल आता है, आता है आंसर आता है। ये क्या है? हमें 10 जीरो कैसे लेंगे? होगा रे होगा, जीरो सबट्रैक्ट करना है इसलिए कांस्टेंट बचेगा ना, कांस्टेंट ही बचेगा, बट तेरे को पहले पूरा f(x) निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में f(x) के अंदर जीरो सबट्रैक्ट करना है, तब तेरे को जाके नहीं करना मुझे। चलो आया नहीं आया आंसर, क्या हुआ? आ गया 2 मिनट। ए रुक ना ऐसा चीज कितना बार नहीं साक्षी को दूर बैठा है मतलब। हाँ अटक नहीं गए, बहुत सॉल्व है, मुझे नहीं करना। अरे आया या नहीं आया आंसर? आंसर क्या है सर? मैं कुछ नहीं बोल रही किसी को, मैं फेल हो गई बस। सुनाई दे रही है आंसर तो कुछ आ नहीं रहा है। नाम रुको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते बात करते आपको सॉल्व भी कर रहा है। यार मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोला वो एग्जैक्टली क्या बोला साक्षी? वो बोला हम क्यों बताएं आपको आंसर। अच्छा ऐसा क्या? नहीं तो और किसको बताओगे प्रसाद सर को? कॉपी नहीं करते मैम, आप खुद का कुछ सॉल्व करो। ऐसा भरोसा नहीं मैम, वो सॉरी बोल रहा है। क्या सॉरी बोल रहा है वो? कौन संतोष? हाँ अरे बड़ा आदमी है वो, आपको नहीं बोला मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलता, बड़ा आदमी। ये छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं, हम मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं ऐसे लग रहा हो मुझे। आप भी बोलते हैं मैडम क्या मैं छोटी नहीं हूँ? वही मैंने बोला बहुत। चलो इसको आगे ले लो। अब क्या बचेगा फिर यहाँ पे? अरे भाई इसको करना, ये कुछ जीरो हो गया, वन जीरो हो गया, टू हो गया। डिफरेंशिएट करते हैं ना? वो कभी अभी तो डिफरेंशिएट करेंगे अभी होगा देखना। मैं log x की तरह इसको ट्रीट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, बट x की जगह पे जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। x की जगह पे कौन है? f(x) है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डैश ऑफ x होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इज f डैश ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? a + 1। हां बोलो मैडम,
क्या हो गया रे, क्या हो गया बोल। मैडम आमल समजना झाली काय झालं काय झालं बोल ना, बोलत तर काही नाहीये, बोलतेस गोष्ट बोलतोयस। मॅडम तुम्ही ऑनलाइन करताय ना आम्ही ऑफलाइन करतोय ते मला समजना। अरे राजा काय समजत नाहीये बोल ना याच्यात। राजा नाही मॅडम मी राणी, राणी राणी भी नहीं है। सॉरी मैडम। काम करते हैं इसको कॉमन ही रखते हैं। चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाया क्या यहाँ पे तुम लोगों ने? नहीं लगाया, नहीं जरूरत नहीं है, कंट्रोल की जरूरत नहीं है, जरूरत है ना, बोलता फिरता है। मैंने क्या किया? अरे मैंने अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं किया। मेरा डिफरेंशिएशन क्या तो आ जाएगा, मैं रुको रुको किया। U into V लगाओ ना अभी यहाँ पे, U into V ये पूरा का पूरा V है, ये ब्रैकेट वाला जो है ना ये पूरा का पूरा V है, complete thing is V। तो क्या हो जाएगा फिर log of, बड़े log of कैसे रहता है? A plus X minus आगा ना आगे पाने दिया लगे। अरे पानी में नहीं है रे वो, चुप बैठो। वैसे आओ जाना अब नो जरा तो बस आदिना बप्पा बस आ रहा है जन्नत कर उसको है। दोष परेशान मत कर नदियों में। साक्षी आज बहुत मजा आ रहा है, साक्षी कंटिन्यू आ रही है वहां फिर दोबारा सब योगा के कुछ काम नहीं फिर चौक मार। चलो ध्यान दो अभी, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग है थोड़ा सा। देखो U into V लगाया मैंने, V du by dx plus U dv by dx। यहाँ पे मैंने क्या किया, log of fx को डिफरेंशिएट किया 1 upon fx एंड जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो x के जगह पे कौन है यहाँ पे, fx, fx मतलब एक y है इसे मान के चलो। यहाँ पे dy by dx नहीं लिखेंगे अपन, f dash of x लिखेंगे क्योंकि fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f dash of x होता है। ओके fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f dash of x होता है। ये ऑनलाइन वालों को तकलीफ हो रही है, बात मत करो, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है तुम्हारी। संतोष ओके अब क्या हो जाएगा, a प्लस वन प्लस टू एक्स। अब क्या होगा बताओ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन a प्लस x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x। हाँ हेलो हेलो, बक बक करनी है तुम लोगों को, बाकी log of a plus x minus log of 1 plus x. अब differentiation of a is 0, differentiation of 1 is also 0, differentiation of 2x is 2. Okay? एक suggestion है, पूरा solve मत करो, पूरा का पूरा solve मत करो, ऐसे ही रखो। बताते हैं क्यों? अच्छा। हमें dash of 0 चाहिए ना? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट। अगर एसएस में अपने सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या, अगर एसएस में एक्स की वैल्यू डाल दिए तो वही तो कर रहे हैं अपन, हमें एफ डैश ऑफ 0 चाहिए ना,
तो कुछ कनेक्ट मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो टर्म्स को, सीधा सब सुनो, सिर्फ क्वेश्चन लिखते हो बस। नहीं सुना, नहीं अच्छा लग रहा है तेरे मुंह से। ओके सो x के जगह पे 0 1 अपॉन a प्लस 0 साइंस का ऑप्शन का है, कॉमर्स वाला का नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन। अरे मॉड्यूल में तेरे ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यस एफ ऑफ जीरो आई नीड टू फाइंड आउट ना, एफ ऑफ जीरो भी तो फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ जीरो कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर लिया किसने? श्रीनिवास मैम। हाँ कैलकुलेटर ले आया मैडम। कैलकुलेटर अलाउड है मतलब किधर भी यूज करोगे क्या? यस एफ ऑफ जीरो मुझे फाइंड आउट करना है, तो एक्स की जगह पे जीरो रखा, एक्स की जगह पे जीरो, एक्स की जगह पे जीरो, ए प्लस वन प्लस टू इनटू जीरो, तो इट बिकम्स ए प्लस वन, बिकम्स व्हाट? ए प्लस वन, ए रेज टू ए प्लस वन। अब ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन ए रेज टू ए प्लस वन एफ डैश ऑफ जीरो। अब क्या बचेगा अपन को यहाँ पे? ए प्लस वन, दिस इज व्हाट? वन अपॉन ए माइनस वन प्लस लॉग ए। क्या होता है? लॉग ए ही रहेगा, लेकिन लॉग वन क्या होता है? जीरो होता है ना, लॉग वन जीरो होता है, तो ये टू बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। नहीं मैम, आपने पहला वाला कैसे किया? अरे देखो मैं तब भी इसी वजह से बोल रही थी, ये वाले स्टेप के बाद ध्यान दो, नहीं समझ में आएगा बाद में। यू इनटू वी है ना, यू इनटू वी है ना, सो वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, वी यहाँ पे वी है ठीक है, डी यू बाई डी एक्स मतलब डी यू बाई डी एक्स प्लस यू dv by dx। ये स्टेप तो समझ में आया सबको? यस, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? उमेर हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं पक्का? हाँ। अब अरे आदिनाथ, आदिनाथ ये तो आउट ऑफ स्कोप है यार तेरे, ये v है, अभी किधर पूछो, दिस इज v into dv by dx प्लस u into dv by dx। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? log x की तरह ट्रीट करेंगे इसको, 1 by x, ये हो जाएगा 1 upon a plus x, ये फिर से log x की तरह ट्रीट करेंगे 1 upon 1 plus x, log of a plus x minus log of 1 plus x, log of a is differentiation of a is 0, differentiation of 1 is 0, differentiation of 2x is ओके okay. अब ये क्या हो जाएगा? हमें x की जगह पे जीरो रखना है, तो f ऑफ जीरो f डैश ऑफ जीरो a प्लस वन प्लस टू x, x की जगह पे जीरो, 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 हर जगह पे जीरो डालना है ओके okay. अब क्या हो जाएगा आगे? यस a प्लस वन आया यहाँ पे, यहाँ पे वन अपॉन a माइनस वन आया, ये क्या है? टू, ये log a और ये log वन क्या होता है? जीरो होता है ठीक है। तो क्या होता है? f dash of zero, f dash of zero is a raise to a plus one, तो a raise to a plus one, उसके बाद a plus one, ये one minus a हो जाएगा upon a plus, ये a plus one को यहाँ पे multiply किया, अब इसको यहाँ पे multiply करते हैं, two into a प्लस वन, एक मिनट पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन में नहीं है वो, यहाँ पे ही सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा फिर? टू लॉग a, सही है, माइनस a अपॉन a, वन माइनस a अपॉन a, ये a प्लस वन, इसको a प्लस वन को थोड़ा सा मैं वन प्लस a लिखती हूँ, वन प्लस a, वन माइनस a क्या हो जाएगा? वन स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
अब बोल मैडम, आवाज कट कर देती हूँ नहीं मैं सच में रोकने वाली हूँ इतना ही। हाँ इस एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फिर रुकेंगे, एक एक करके और लेंगे, देख लो यार एक बार मुश्किल एक क्वेश्चन। ठीक है, जिनका बेसिक अलजेब्रा अच्छा है ना वो लोग ही कर सकते हो, जिनका बेसिक अलजेब्रा अच्छा है वो लोग ही कर सकते हैं। मैडम बोल रहे तू तो रट के ही जाएगा ऐसा क्वेश्चन, मुझे पता है तू ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेगा। तू कौन मैडम? तू 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 ही रट के ही जाएगा तू 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 संतोष बोल रहा हूँ मैडम। अब 2 मिनट चुप बैठो यार, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एंड तक पहुंचा मैं। अब 2 मिनट चुप बैठो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। दोनों साइड पे लॉग लिया। हाँ मैडम प्लीज। दोनों साइड पे लॉग लिया। लॉग एफएक्स। लॉग एफएक्स इक्वल टू ए प्लस वन प्लस टू एक्स को आगे लिया। लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? a plus 1 plus 2x लिया। अब ये तुम्हारा इस ये log a by b है ना, उसको मैंने log a minus log b लिखा। तो this is u, this is v, सही है ना? differentiate जब करेंगे तब ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो कैसे differentiate किया अपन ने? 1 upon fx, जो भी x की जगह पे आया है उसके differentiation से multiply f dash of x। अब ये क्या है? u into v ना, so ये v du by dx plus u dv by dx, product rule लगाया। अब ये log x की तरह treat करेंगे 1 upon 1 plus a plus x, ये log x की तरह treat करेंगे 1 upon 1 plus x, ये log of ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। log differentiation of a, differentiation of a is 0, differentiation of 1 is 0, differentiation of 2x is 2, okay? वो टर्म सॉल्व हो गया। अब क्या आया आगे? अब जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे जीरो किया, x की जगह पे जीरो किया, x की जगह पे जीरो किया, जीरो 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 एवरीवेयर देयर इज जीरो। ओके, तो क्या बचा फिर अपने पास? ये टर्म। तो f ऑफ जीरो मुझे चाहिए, f ऑफ जीरो मतलब ये वाला, f डैश ऑफ जीरो मतलब f डैश ऑफ x में जीरो, और f ऑफ जीरो मतलब ये f ऑफ जीरो है। ये दोनों कैंसिल मत कर देना, वो गलत है। f डैश ऑफ जीरो अलग चीज है, f ऑफ जीरो अलग चीज है। f ऑफ जीरो कैसे मिलेगा हमें? यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो रखने के बाद मिलेगा। तो x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, a रेज टू a प्लस वन प्लस टू एक्स। ओके, तो x की जगह पे जीरो रखा ना मैंने यहाँ पे भी, तो क्या आया फिर? f ऑफ जीरो a रेज टू a प्लस वन, तो f ऑफ जीरो की जगह पे a रेज टू a प्लस वन आया, f डैश ऑफ जीरो। अब ये क्या है? a प्लस वन है, a प्लस वन है, ये वन बाय a, ये माइनस वन प्लस टू। टू कहाँ से आया? From where to came? From this two. ये log a है और ये log one कितना हो जाएगा? Zero. Okay. तो two log a, two log a. अब इसको अंदर multiply करो, one plus a, one minus a upon a equal to two log a. A plus b, a minus b, a square minus b square upon a. प्लस टू लॉग ए। अब क्या हो जाएगा? ये आया तुम्हारा फाइनल आंसर, डैश ऑफ जीरो। ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो जल्दी मैम। पूरा एक मिनिमाइज करो ना, फोटो लेना। हेलो, क्या हो रहा है? हेलो हेलो, हाँ डन। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा मैम थोड़ा मिनिमाइज करना, फोटो लेना। मिनिमाइज तो किया मैंने, यहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से। अरे यहीं से स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट है।
मेरा फोटो क्या लेगा बस चलो डी वाई बाई डी बताओ फिर करे फिर लॉग लेते पहले टू लॉग इन तो क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लिकेशन है ना तो एडिशन कर दो अब क्या हो जाएगा ये वाई आगे आ जाएगा और ये एक्स आगे आ जाएगा सो वाई लॉग एक्स वो तो हो गया ये हो गया यहाँ तक डिफरेंशिएट मैम रतन याद कर रहा है आपको रतन नोट्स चाहिए अभी आके गया नोट्स चाहिए मैम रतन तो शरीर पानी पे तो रतन काजल मैम ने बोली कि काजल मैम ने बोले 4 मिनट के जरॉक्स देने का सबको जरॉक्स देने बोला चलो बताओ फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे u into v du by dx plus u dv by dx plus फिर से u into v du by dx plus u du by dx and differentiation of log m क्या होगा m constant है ना m constant है तो उसका differentiation zero m constant है तो उसका differentiation क्या आ जाएगा zero आ जाएगा okay तो क्या हुआ फिर ये log x dy by dx प्लस वाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस ये क्या है लॉग वाई प्लस एक्स इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो अब ये चीज और ये चीज कनेक्ट करते हैं So x upon y plus log x into dy by dx और ये दोनों चीजें इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं सो माइनस वाई बाय एक्स माइनस लॉग वाई
ओके तो क्या हो जाएगा x प्लस y log x अपॉन y माइनस y माइनस x log y अपॉन x ओके इस माइनस साइन को बाहर निकालो अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दो x प्लस y log x ओके तो dy by dx क्या हो जाएगा फिर माइनस y by x y प्लस x log y upon x plus y log x ओके ये हो गया तुम्हारा आंसर ये क्वेश्चन आसान था यार बहुत आसान था y को शिफ्ट किया आगे फिर log x x को शिफ्ट किया आगे फिर log y फिर log m फिर डिफरेंशिएट किया u into v लगाया v du by dx plus u dv by dx सेम चीज यहाँ पे किया फिर dy by dx कलेक्ट किया फिर log x, x by y कलेक्ट हुआ फिर ये y by x एंड log y से शिफ्ट हुआ माइनस y by x माइनस log y फिर माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला और फिर मैंने इसको शिफ्ट किया इस साइड y को y ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो ये हो गया आंसर एनी डाउट यस बोलो चलो सो अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इस वजह से फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेने का सोच रही हूँ हाँ मैं रुको थोड़ा एक मिनट लिखना है हाँ हाँ रुकिए रुकिए हेलो हाँ बोलो